उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि वे जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने वाले हैं। सूबे की राजधानी लखनऊ में उन्होंने कहा कि अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया है। पार्टी बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी और उनके नए संगठन का प्रस्तावित नाम अधिकार सेना होने वाला है। ठाकुर के मुताबिक उन्होंने अपने समर्थकों से पार्टी के उद्देश्य, मिशन और संरचना के साथ नाम सुझाने का भी अनुरोध किया है। इस महीने की शुरुआत में ठाकुर की पत्नी नूतन ने भी घोषणा की थी कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए एक निर्णय के बाद ठाकुर को 23 मार्च को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश में ठाकुर के बारे में कहा गया था कि उन्हें अपनी सेवा के शेष कार्यकाल के लिए बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। ठाकुर का कार्यकाल 2028 में पूरा होने वाला था। हालांकि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अप्रैल 2016 में उनके निलंबन पर रोक लगा दी और 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ उनकी बहाली का भी आदेश दिया था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।